बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी वन क्लास, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं? ओके, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सबक हमारे प्यारे नबी का नेक्स्ट पैराग्राफ हमने रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हो, वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हो है। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या है? अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल को 63 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में वसाल फरमाया। वसाल का क्या मतलब है? वफात। देखो, वो रबीउल अव्वल के महीने में ही उन्होंने उनकी पैदाइश का महीना है और रबीउल अव्वल का महीना ही उनकी वफात का महीना है। ठीक है, रबीउल अव्वल के महीने में ही वो पैदा हुए और रबीउल अव्वल के महीने में उन्होंने वफात पाई। नेक्स्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। प्यारे बच्चों, हमारे अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम के साथ हमेशा क्या कहना चाहिए और लिखना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हमें हमारे नबी के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इस पूरे सबक की वर्ड टू वर्ड अच्छे से रीडिंग करनी है। ठीक है, ओके, वेरी गुड।